हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम कविता। वेलकम टू आर टीचर फैक्ट्री चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटेट एग्जाम 2024 के इन्वायरमेंटल स्टडी के सिलेबस के बारे में। लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं मैथ का सिलेबस फुल डिटेल में। अब हम देखने वाले हैं ईवीएस का सिलेबस फुल डिटेल में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है एग्जाम्स आपकी 7 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। CBT रहने वाला है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। MCQ पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसमें। अगर आपने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड 30 MCQ आएंगे, जो कि 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपको EVS तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। आपने पेपर फर्स्ट के लिए अगर अप्लाई किया है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं कंटेंट से रिलेटेड, एंड 15 क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी से रिलेटेड। कंटेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले हैं EVS की। इसमें आपको थीम्स पढ़ के जानी है। EVS की थीम्स में आपको फर्स्ट थीम पढ़नी है फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब परिवार और मित्र। इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड है आपका फूड। फूड मतलब होता है भोजन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड है आपका ट्रेवल। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है आपका वाटर। वाटर मतलब होता है पानी या जल। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब जो चीज़ हम बनाते हैं और करते हैं, ये पढ़ के जाना है। सिक्स्थ है आपका शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है आश्रय, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स को और सब थीम्स में डिवाइड किया है, तो आपको इसमें फर्स्ट थीम पढ़ के जानी है प्लांट। प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकेंड है आपका एनिमल। एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है आपका वर्क, एंड फोर्थ है आपका रिलेशनशिप। तो आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स भी पढ़ के जानी है। सो नेक्स्ट है आपका, इसके लिए आपको थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की NCERT पढ़नी है फुल डिटेल में, एंड सिक्स्थ सेवेंथ एंड एट्थ के NCERT के मैंने कुछ चैप्टर लिखे हैं, ये पढ़ के जाने हैं। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। इससे ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। सेकेंड है आपका प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब पौधे और जंतु। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। फोर्थ है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंट, मतलब पदार्थों का पृथककरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। फिफ्थ है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी आपको पढ़ना है। सिक्स्थ है आपका बायोस्फीयर, मतलब जीव मंडल, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना है। सेवेंथ है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर है आपका फिजिक्स से रिलेटेड ग्रेविटेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ना है। नाइन्थ है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश और अदिश राशियां, ये भी पढ़ना है। फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है आपका पेडागोजी से रिलेटेड, जो आपके 15 MCQ आने वाले हैं। वो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, मतलब EVS की अवधारणा और दायरा, ओके। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ EVS एंड इंटरग्रेटेड EVS, EVS का महत्व एंड एकीकृत EVS, ओके, ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मतलब पर्यावरण अध्ययन एंड पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है, क्या क्या पढ़ना है इसमें आपको, ये सब आपको इसमें देख कर जाना है। लर्निंग प्रिंसिपल मतलब सीखने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं,
कैसे कैसे सिखाया जाता है ये आपको इसमें देख के जाना है। नेक्स्ट है आपका स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, ये टॉपिक पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, ये चैप्टर देख के जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़ मतलब होता है गतिविधियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटेशन या प्रैक्टिकल वर्क, मतलब प्रयोग और व्यावहारिक कार्य, ये चैप्टर भी पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन, फिर है आपका सी सी ई मतलब होता है आपका कंटिन्यूस कंप्रेंसिव इवेल्युएशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मटेरियल या एड्स, मतलब शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री, ये चैप्टर भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम, ये है आपका प्रॉब्लम, नहीं दिख रहा हो तो मैं ये ऊपर लिख रही हूँ, ये आप देख लेना, प्रॉब्लम मतलब समस्या, ये चैप्टर आपको पेडागोजी से रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की कम्प्लीटली तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये सब आपको पढ़वाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपको इसमें वीडियो डाउनलोड फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, आप एक लेक्चर को अनलिमिटेड टाइम भी देख सकते हैं। सो अभी भी अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप अभी भी करते हैं तो जो भी लेक्चर आपके मिस हुए हैं वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक और बैच ज्वाइन हुआ है जो महाराष्ट्र TET एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसमें आपको IBPS पैटर्न पर आधारित है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की ही तैयारी करवाई जा रही है। इसमें आपको वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी मिलने वाली है, इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, ई बुक्स मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड टाइम आप इनको देख सकते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया है EVS का सिलेबस, आई होप ये सिलेबस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी कीजिए। थैंक यू सो मच।